इस वीडियो का वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं वो है अकॉस्ट। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, वहां से आपको इस वर्ड का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। मुझे एक जगह पे इनवाइट किया गया था स्पीच करने के लिए, तो मैं अच्छी बड़ी मजेदार स्पीच की, तो जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा था, एज सून एज आई केम डाउन द स्टेज, तो एक रिपोर्टर ने, एक जर्नलिस्ट साहब ने मुझे अकॉस्ट किया और मेरे से सवाल जवाब शुरू कर दिए। अब आपको कॉन्टेक्स्ट से मतलब समझ आ जाना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट मतलब यह है, उसका सेंस ये होता है कि अकॉस्ट का मतलब होता है किसी को एग्रेसिवली या एकदम जाके अप्रोच करना। तो एज सून एज आई केम डाउन द स्टेज, जिस सेंटेंस में हम यूज करेंगे, एज सून एज आई स्टेप डाउन द स्टेज, एज सून एज आई केम डाउन द स्टेज, अ जर्नलिस्ट अकॉस्टेड मी, राइट। और उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिया, और आप तस्वीर में देख भी रहोगे कि उन्होंने इतना मुझे अकॉस्ट किया कि मुझे ऑलमोस्ट यू होना पड़ा, पीछे होना पड़ा, एज अ रिएक्शन टू द जर्नलिस्ट अकॉस्टिंग। एक और एग्जाम्पल, बड़ी हाल ही की दुखी एग्जाम्पल है। दुखी एग्जाम्पल यह है कि मैंने गाड़ी में अकेला आ रहा था, फेस मास्क, क्योंकि अकेला बैठा था तो मास्क नहीं पहना हुआ था, गिवन द कोरोना कॉन्टेक्स्ट, मुझे बात सेंस भी मेक नहीं करती क्योंकि मैं अकेला गाड़ी में हूँ, बिल्कुल अकेला, तो मैं क्यों मास्क पहनूँ। खैर, अकेला गाड़ी में आ रहा था, मास्क नहीं पहना हुआ था। जैसे ही मैं एक ट्रैफिक लाइट पर रुका, तो फॉर सम रीजन एक जो ट्रैफिक पुलिस वाले साहब थे, एक पुलिसमैन, ही अकॉस्टेड मी एंड डिमांडेड माई ड्राइविंग लाइसेंस। तो उन्होंने मुझे एकदम अप्रोच किया और कहा कि जी फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद उन्होंने कहा जी आपने फेस मास्क नहीं पहना होता, आपका चालान करना पड़ेगा, जो कि दुखी पार्ट ऑफ द स्टोरी है। लेकिन आई होप आपको अकॉस्टेड का इससे स्टोरी से एक सेंस पता चल गई है कि किसी को एकदम अप्रोच करना, एग्रेसिवली अप्रोच करना, बात करने के लिए, पूछने के लिए, कोई चीज डिमांड करने के लिए, ये एक वर्ड है, अकॉस्ट, पास्ट टेंस बीइंग, पास्ट फॉर्म बीइंग अकॉस्टेड। आपसे मुलाकात होगी अगले वर्ड में, अपना ख्याल रखिएगा।